मैं एक बात कहूं, मैं शिक्षा आंदोलन से आता हूं, इसलिए थोड़ा बहुत इस विषय की अभ्यास मेरे को भी मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत के दिनों से है। लेकिन मैं इस बार जब शिक्षा मंत्री की भूमिका में आया, उस समय में एक प्रसंग मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की था। मैं कुछ ही दिन हुआ था दायित्व लेते हुए, पार्लियामेंट की सेशन शुरू हो गया, तमिलनाडु के कुछ लोकसभा के सदस्य आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि देखिए, आरक्षण आईआईटीज में लागू नहीं होता है। ये मेरे लिए एक न्यूज था, मेरे लिए एक आश्चर्य की विषय था, ऐसे कैसे होगा? प्राध्यापकों की नियुक्ति में देश की नीति है, ये संविधानिक व्यवस्था ऐसे ही है, ऐसे कैसे होगा? मैं उनको कुछ उत्तर ना देते हुए, ठीक है मैं अनुध्यान करता हूं, ये आश्वासना उनको देके मैं मेरे अधिकारियों से समझना चाहा और समझा उस विषय को। मेरे लिए मित्रों, जो लोग आज लंबे समय तक शासन की दायित्व में रहे इस देश में, और जो लोग आज भी घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनकी बारे में मैं कभी कभी सोचता हूं, तो ये कितने लंबे समय तक लोगों को, विशेष करके समाज की जो संवैधानिक सुरक्षा के अंदर रहने वाले लोग हैं, संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके साथ कैसे धोखा किया गया। देश में रोस्टर मेंटेन करना ये एक अनिवार्यता है, जिसके बारे में भागी सार अभी उल्लेख कर रहे थे। अभी की दिल्ली की जो वैकेंसी हो रही है, उस वैकेंसी में ज्यादातर समाज के वंचित वर्गों की पद भरते हैं। अभी मोदी जी ने तो और एक नया विषय जोड़ा, शायद मोदी जी ने जो काम किया आजादी के उपरांत, देश की सामाजिक समरसता संतुलन के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया। एससी एसटी ओबीसी और उसके उपरांत गरीबी को भी एक सामाजिक वर्ग मानते हुए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे आरक्षण की व्यवस्था किया, नौकरी में और पढ़ने में भी। उसमें भी कुछ लोगों की आपत्ति है कि भाई ऐसे कैसे तुम दे दोगे, कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगाया कि सरकार की नीति सही है। अभी अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था, उलझन खत्म नहीं हुए, फिर उसमें कोई रिविजन पिटिशन डाला है। लेकिन सरकार कमिटेड है ये चार व्यवस्था को समाज में सभी वंचित वर्ग, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं राजकुमार जी, जब सीएचडी के बारे में कह रहे थे, शब्द लगा रहे थे वंचित वर्ग, गरीब दुखी लोगों की कोई किसी से परमानेंटली बंधन नहीं रहती है, इससे लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, और हमारी सरकार की नीति वही है, उनको परमानेंटली एम्पावर करना है। हमने पिछले, मैं जुलाई में दायित्व लिया, तो पिछले 15 महीने में मेरे एक प्रायोरिटी की विषय रही है, उच्च शिक्षण संस्थान में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जितने भी रिक्त पद है, सभी को एक टाइम बाउंड फ्रेम पे भर दिया जाएगा, उसके काम वार फिटिंग पे हो रहा है।